विद्यापीठ स्कूल बैद्यनाथ में जूनियर वर्ग का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर पाशी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती की आगे दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें पंजाबी, हरियाणवी तथा हिमाचली संस्कृति को खूबसूरती से मंचन किया गया। विद्यापीठ स्कूल बैजनाथ में जूनियर वर्ग का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल अंकुर पासी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती की आगे दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें पंजाबी, हरियाणवी तथा हिमाचली संस्कृति का खूबसूरती से मंचन किया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। स्कूल के निदेशक नवनीत डोगरा ने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों से अवगत करवाते हुए स्कूल की रिपोर्ट भी पढ़ी। मुख्य अतिथि ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों की रुचि के अनुसार ही विषय दिलवाने चाहिए, उन पर अपनी मर्जी नहीं अपनानी चाहिए। वे बच्चों में विश्वास रखें कि वे आप से भी आगे जाएंगे, लेकिन उन पर नजर जरूर रखें, तथा मेधावी छात्रों में आकर्षित धवन, अभिनव, राणा, आदित्य, अक्षत, अर्णव, आर्या, भवानी, दीपिका, एकता, हर्षता, कनिका, मीनाक्षी, सूर्यास कपूर को गोल्ड मेडल व अनिकेत, अरुषि, आयुष, खुशी, महक, मयंक, सक्षम ठाकुर तथा सुहाना को सिल्वर मेडल सहित सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया। आज हमारे भारतीय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जूनियर वर्ग का एनुअल डे सेलिब्रेशन मनाई जा रही है, और इसके मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर पासी जी हैं, और प्रोग्राम की शिरकत की है यहाँ पे हमारे डीएवी स्कूल मंडी से भी हमारे प्रिय मित्र और कुलदीप गुलेरिया जी। इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ प्रांगण में पहुँचे हुए हैं। बच्चों की प्रतिभा और मेहनत को देखकर लगता नहीं है कि इतने कम समय में इन बच्चों ने इतना अच्छा पढ़ाई से लेके खेल कूद और इतनी अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन अपनी दी है कि इवन जो मुख्य अतिथि हैं वो भी बहुत खुश हुए हैं, कहते हैं कि मैंने ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं देखे हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा यहाँ पे हमारे अगर हम लोग पढ़ाई की बात करें तो गवर्नमेंट ने लगभग 12.5 लाख रुपये के करीब स्कॉलरशिप यहाँ के स्कूल के बच्चों को प्रदान किया है,